अस्सलाम वालेकुम, मुझे फसी खान कहते हैं। मैं यूट्यूब की चैनल फसी दुबे दुबे के लिए वीडियोस बनाता हूँ। मैं शॉर्ट ट्रिप के लिए दुबई आया, कुछ काम था तो मैंने ब्रेकफास्ट किया और अभी दो तीन काम करने के लिए आगे निकलना है और देन जहाँ जहाँ पे पॉसिबल हुआ मैं थोड़ा सा ब्लॉग शूट करूँगा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैं थोड़ा काम में बिज़ी था पाकिस्तान में, प्लस फैमिली के साथ बिज़ी था, थोड़ा सा घर वालों को टाइम देना था। मैं काफ़ी टाइम के बाद पाकिस्तान गया था तो आज मेरा मूड भी अच्छा है और काम जैसे जैसे आगे थोड़ा साथ साथ मैं करता जाऊँगा, मैं ट्राई करूँगा कि मैं साथ साथ में आप लोगों के लिए व्लॉग के कुछ पार्ट शूट कर सकूँ। दुबई में कुछ काम के लिए आया था, वो काम मेरे हो चुके हैं, अब मैं वापस जा रहा हूँ लाहौर पाकिस्तान। कुछ मैंने क्लिप शूट किए हैं जो आप लोग देख सकते हैं और कुछ चीज़ें जो मैंने इस ट्रिप में एक्सपीरियंस की हुई है कि आप सेम डे में 24 आवर्स में पाकिस्तान आ और जा सकते हो। द थिंग इज़ कि आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होना चाहिए, यानी कि वीज़ा आपके पासपोर्ट पे स्टैंप होना चाहिए तो आप आ जा सकते हो इजीली। ये दुबई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का ड्यूटी फ्री है, परफ्यूम्स शराब यहाँ पे मिल सकती है और डिफरेंट आइटम्स यहाँ पे होते हैं जो आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल होते हैं ड्यूटी फ्री में। और हैंड कैरी में आप ये चीज़ें कुछ ऐड कर सकते हो जो आपकी ड्यूटी फ्री इसे परचेज करते हो, उसका 1,00,000 रेट आपको मिलता है जो आप हैंड कैरी में लेके जा सकते हो अपने साथ। शॉपिंग एरियाज, कैफे, और ये गेट्स का एरिया। तो ये गेट्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि आप कि एयरलाइन किस गेट से मूव करेगी। इस तरह का एक स्क्रीन तो खैर नहीं, डिफरेंट स्क्रीन्स डिफरेंट एरियाज में होते हैं जो आपकी फ़्लाइट्स और आपकी गेट्स की आइडेंटिफिकेशंस कर रहे होते हैं कि कहाँ से आपकी फ़्लाइट कहाँ जानी है।
अरे चाचा बहुत सारे लिकर्स की बॉटल्स लेके संभाल नहीं पा रहे आप। ये गेट्स टाइप का एरिया होता है इस तरह का, यहाँ पे आप जिसको वेटिंग लाउंज भी बोल सकते हैं। तो एज़ यूजुअल मैं एयर ब्लू में ट्रैवल कर रहा हूँ और वंस अगेन पाकिस्तानी फ्लाइट डिलेड है। 5:45 की डिपार्चर टाइम था और अभी ऑलरेडी 5:15 हो चुके हैं आफ्टरनून के और अभी तक फ़्लाइट का कोई पता नहीं है। तो मैंने कहा चलो क्लिप को इधर माइंड अप करते हैं, बिकॉज़ मैं जब पाकिस्तान लाहौर पहुँचूँगा तो काफ़ी एग्जॉस्टेड हो चुका हूँगा, काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे हैं इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। तो एक नया एक्सपीरियंस था मेरा विद इन 24 आवर्स, पाकिस्तान टू दुबई एंड देन दुबई टू पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान गया नहीं, मैं दुबई एयरपोर्ट पे हूँ, लेकिन पहुँचूँगा तो मैं रात को तो कोई ब्लॉग अपलोड नहीं कर सकूँगा, अपलोड नहीं बना नहीं सकूँगा, कल देखूँगा कोई ब्लॉग अपलोड करूँ और बनाऊँ। ऑफिस लोकेशन देखने में और ऑफिस का सेटअप पाकिस्तान में जो करना है उसमें ज़रा बिजी था और बिज़ी हूँ, तो आप लोगों की बेस्ट विशेस चाहिए और दुआ में याद रखें। काफ़ी सारे लोग जो बहुत कुछ कह रहे थे वो फाइनली डिसअपेयर हो चुके हैं और अच्छा टाइम फिर से स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे 1.5-2 साल पहले मेरी लाइफ थी उस ट्रैक पे आ चुके अल्हम्दुलिल्लाह। स्पेशल थैंक्स टू माय टीम और स्पेशली जो टॉप मैनेजमेंट में है कंपनी में लोग, उन्होंने इतना कंफर्ट जोन दिया हुआ है। और क्योंकि काम जिस तरह से हमने स्टार्ट किया और जिस तरह से हम बढ़े और फिर जो जो दो बीच में 2-3-4 दफ़ा कुछ लोगों ने अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश की, उसके बावजूद हम स्टेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम काम कर रहे हैं, बढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसी काम के सिलसिले में मैं ये आ जाते हैं यहाँ पे, जो थोड़ी एक्सटेंशन हम कर रहे हैं 2-3 और कंट्रीज़ की, तो सब कुछ ठीक है। फाइनली लिटरली मैं फिर से वही पुराना फंसी फील कर रहा हूँ जैसे बिज़नेस से पहले मैं था, क्योंकि बिज़नेस पाने के बाद बहुत लोचे हुए, बहुत लोगों के रूप देखे, भाई की शेप में एक नागिन सांप को देखा, लूटने वालों को देखा, बहुत कुछ है कहने को यार, इन्वेस्टर के नाम पे अपने आप को स्टेबल करने वाले लोगों को देखा, अच्छे दोस्तों को बदलते हुए देखा। जब पैसा आता है, जब बढ़ावा आता है, जब 2-3 लोग जानने लगते हैं और जहाँ पे पैसा आता है और पैसे इन्वॉल्व होते हैं, तो बहुत कुछ सीखा। एक चीज़ जिस पे मैं खुदा का, भगवान का, गॉड का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, ये कि जितना भी लोगों ने लेग पुलिंग की, जो कुछ भी हुआ, स्टिल मेरे साथ 8 लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो काम को अपना समझ के काम करते हैं, ठीक है। वो मेरी फैमिली है, छोटी फैमिली है, पूरी फंसी दुबई दुबई की जो हमारी यूट्यूब की फैमिली है वो एक बड़ी फैमिली है, जिसमें अब 81,000 ऑलमोस्ट 82,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, लेकिन जो मेरे कंपनी में जॉब करते हैं 8, वो एक छोटी सी बहुत क्लोज फैमिली है जिसको मैं ज़ाती फैमिली समझता हूँ, क्योंकि जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है तो आपके बहुत करीबी लोग ही आपको लोगों की बातों की वजह से छोड़ देते हैं। जैसे कुछ लोग मोटे जिसामत वाले कुछ वीडियोस में कह रहे थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो अल्टीमेटली कुछ है नहीं, उनकी वो वीडियोस भी डिलीट हो चुकी हैं, ठीक है, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते, ठीक है। तो एनीवे बात करने का पर्पज़ ये कि उन लोगों की बातों की वजह से कुछ लोग आपको छोड़ देते हैं या कुछ लोग के पाँव लड़कनाना शुरू हो जाते हैं, लेकिन थैंक्स टू ऑल दोज पीपल हु आर स्टिल विद अस। ढेर सारी बातें, मैं बहुत थका हूँ, कल रात को मैं सही से सो भी नहीं पाया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, सपोर्ट करें काम को, अच्छा ही फैलाएं हमेशा, ठीक है, और नेगेटिविटी से और बुराई से डरें मत। लव एंड पीस।